सही भाइयों को राम राम। मैं रवि चौधरी, स्वागत करता हूँ अपने चैनल रवि फिटनेस में। आज का जो टॉपिक है वो गर्ल्स के ऊपर है कि गर्ल्स जब फर्स्ट टाइम जिम में जाती है वो कैसे वर्कआउट उनको करना है और क्या शेड्यूल उनको प्लान करना होता है, क्या उनको फॉलो करना होता है, तो वो सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। और उस चीज में हमारी हेल्प करेगी अदिति, तो ये आपको एक्सरसाइज करके दिखाएगी कैसे कैसे फर्स्ट डे आपको जिम में एक्सरसाइज करनी है और कैसे आपको वो चीज़ें रूटीन में लेकर आनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं वीडियो में बीच में। तो जैसे कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आपको वार्म अप जरूर करना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि वो गर्ल्स वर्कआउट कर रहे हैं या बॉयज कर रहे हैं, वार्म अप हर किसी के लिए कंपलसरी है। वार्म अप से बहुत बेनिफिट होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाता है, उससे इंजरीज के चांसेस बहुत ही कम आते हैं। तो चलिए अदिति का पहले वार्म अप कराते हैं। और वार्म अप में क्या क्या यूज करेंगे हम, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो वार्म अप में हम सबसे पहले ट्रेडमिल का यूज़ करेंगे, और ट्रेडमिल में हमें दौड़ना नहीं है, चलना है सिर्फ। कहीं आप लोग जाते ही दौड़ना शुरू कर दें, पहले थोड़ा सा बॉडी को वार्म करना है, देन उसके बाद और कम से कम 5 मिनट तक आपको ट्रेडमिल यूज़ करना है, जैसे कि अदिति कर रही है। ट्रेडमिल करने के बाद जो नेक्स्ट हम करेंगे वो साइकिलिंग करेंगे। साइकिलिंग भी 5 मिनट तक करेंगे, और ये भी स्लोली स्लोली करेंगे, ज्यादा फास्ट नहीं करेंगे इसको भी। तो इसी करके दिखाएगी आपको। ट्रेडमिल और साइकिलिंग के बाद हम नेक्स्ट जो करेंगे वो क्रॉस ट्रेनर यूज़ करेंगे। और क्रॉस ट्रेनर में पहले आपको बताता हूँ मैं कैसे यूज़ करना है। इसमें पहले आपको ग्रिप यूज़ करनी है, देन उसके बाद 1 से 2 मिनट बाद आपको हैंडल यूज़ करना है। स्टार्टिंग में जाते आपको हैंडल यूज़ नहीं करना, तो बताओ दीदी कैसे करना है इसको। तो वार्म अप हमारा कंप्लीट हो चुका है। वार्म अप के बाद अब हम अपर बॉडी का वर्कआउट करेंगे। उसमें क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, ये आपको दिखाता हूँ मैं, और अदिति आपको करके बताएगी कि अपर बॉडी में वर्कआउट में क्या क्या करना है। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज होगी उसमें वो होगी लेट पुल डाउन, जो कि हमारे बैक मसल के लिए होगी, तो अदिति करके दिखाएगी आपको। इसके आपको 2 सेट से 3 सेट लगाने हैं, 8 से 10 रेप के, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी। स्टार्टिंग स्टेज है तो 2-2 सेट लगाएंगे हम चीज के, 8 से 10 रेप लेंगे इसके, और जिस पोर्शन में अदिति लगा रही है वैसे ही आपको भी लगाना है। लेट पुल डाउन हमारी कंप्लीट हो गई है, और लेट पुल डाउन के बाद जो नेक्स्ट वर्कआउट हम करेंगे वो है सीटेड रोइंग। सीटेड रो के भी आपको 2 सेट लगाने हैं और 8 से 10 रेप लेने हैं, तो इसी आपको करके बताएगी इसकी सही मूवमेंट क्या होती है।
दो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तीसरा जो वर्कआउट होगा हमारा वो होगा चेस्ट के लिए। तो उसके लिए हम अपना पैक डेक यानी कि बटरफ्लाई यूज करेंगे, और बटरफ्लाई को कैसे परफॉर्म करना है वो आपको ऐसी बताएगी। इसके भी आपको 8 से 10 रैप लगाने हैं और 2 सेट लगाने हैं इसके भी। नेक्स्ट जो वर्कआउट हमारा होगा वो बाइसेप्स के लिए करेंगे हम, आर्म्स का वर्कआउट। उसमें जो है पुली लगाएंगे हम, और कैसे इसको लगाना है वो आपको अदिति करके दिखाएगी। इसके भी आपको सेम 8 से 10 रैप ही लगाने हैं और 2 सेट लेने हैं इसके भी। लाइट वेट करके लेना, शरीर का खास तौर पर ध्यान रखना कि लाइट वेट यूज करें इसमें। नेक्स्ट जो वर्कआउट होगा हमारा वो होगा शोल्डर के लिए। तो शोल्डर में जो हम डंबल ओवरहेड प्रेस करेंगे, और ये भी लाइट वेट करेंगे, 2 सेट इसके भी लगाने हमें 8 से 10 है इसके। तो आईती आपको करके बताएगी कैसे करना है। आईती करो। तो अपर बॉडी का वर्कआउट हमारा हो चुका है फिनिश, और नेक्स्ट जो हम करेंगे वो लोअर बॉडी के लिए एक एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज से पहले हम पहले फ्री स्क्वाट लगाएंगे। फ्री स्क्वाट भी जैसे आपसे लग सके, 5, 10 या 15 जैसे भी आप लगा सको, उसके भी 1 से 2 सेट लगाएंगे। देन उसके बाद एक एक्सरसाइज करके बताऊंगा आपको कौन सी एक्सरसाइज है। चलो अभी ये आपको फ्री स्क्वाट करके दिखाएंगे। तो नेक्स्ट और जो लास्ट वर्कआउट होगा हमारा वो लेग्स के लिए होगा। उसके लिए हम लेग एक्सटेंशन करेंगे। तो लेग एक्सटेंशन कैसे करना है इसके भी आपको 8 से 10 रैप लगाने हैं, वो आपको ऐसी लगा के दिखाएगी कि कैसे करना है इसमें। और ध्यान रखें इसमें लाइट वेट ही लेना है आपको, ज़्यादा हैवी वेट नहीं लेना आपको। फाइनली आज का जो हमारा वर्कआउट है वो कंप्लीट हो चुका है। जो भी वर्कआउट था मिक्स में, और जो गर्ल्स को फर्स्ट टाइम जिम में आने के बाद उनको जो जो एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है वो मैंने आपको आदिति के द्वारा दिखा दी है। अब उसको कैसे करना है वो चीज़ आप इस वीडियो को फॉलो करें, और आदिति आपको बताइए। हाय गाइस, मैं बस इतना कहना चाहूँगी मेरा जो स्केड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, वर्क लाइफ, तो अपनी पर्सनल लाइफ का टाइम नहीं दे पाते। तो आई जस्ट वॉन्ट से कि अगर आपको टाइम देना है तो चाहे मॉर्निंग में, इवनिंग में, या शाम को, या रात को, मतलब थोड़ी देर है ना आप अपने वर्कआउट को टाइम दो। उससे क्या होता है ना, आपकी बॉडी थोड़ी खुल जाती है, और जो आप पूरे टाइम काम करते रहते हो तो उस वजह से बंद हो जाती है, और मतलब आपका माइंड भी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। और हेल्दी लाइफस्टाइल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आई मस्ट से कि यू शुड फॉलो दिस हेल्दी लाइफस्टाइल, और इसको ज़रूर करना चाहिए। तो ओके, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके हमें बताना ना भूलें कि कैसे ये लगी वीडियो। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग रवि फिटनेस।